ख्रिस्त यीशु में प्यारे भाइयों एवं बहनों, यदि आपको अच्छे व्यक्ति बनना है तीन प्रमुख गुणों को अपनाना होगा। पहला, आपको एक विश्वसनीय व्यक्ति बनना होगा। दूसरा, आपको बुद्धिमान रहना होगा। और तीसरा, चतुराई का गुण आप में होने की आवश्यकता है। यदि तीनों गुणों को यदि अपनाएंगे, लोग समझते हैं आप एक अच्छे महान व्यक्ति बन सकते हैं। यदि आप प्रभु के वचनों को मानेंगे, आप ईश्वर के नज़र में भी एक अच्छा व्यक्ति या ईश्वर का संदेश वाहक बन सकते हैं। आज के पाठों में प्रभु सबों को संदेश वाहक बनने के लिए निमंत्रण देते हैं। वो निमंत्रण आपको भी है और मेरे लिए भी है। लोग समझते थे प्रभु का वाहक बनना सिर्फ कुछ मुट्ठी भर लोगों के लिए है, लेकिन वैसा नहीं है। पहला पाठ में हम लोग सुनते हैं जब मूसा नबी 70 लोगों के साथ वे प्रार्थना करते हैं, पवित्र आत्मा उन पर उतरता है, वे ईश्वर के संदेश वाहक बनते हैं। जोशुआ दौड़ करके आता है और कहता है जो कक्षा में नहीं है दो व्यक्ति भी, वे भी ईश्वर का संदेश वाहक बनते हैं, ईश्वर के वचन को सुनाते हैं। इसका मतलब यही है, ईश्वर की आत्मा कोई सीमाओं से घिरा हुआ नहीं है। ईश्वर की आशीष एवं कृपा सबों को मिल सकता है। इस गुणों से देख करके हमें जलने की आवश्यकता नहीं है। जब दूसरे लोग अच्छा कार्य करते हैं, हमें उन पर जलने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो भी भला काम होता है वो ईश्वर की ओर से आता है। आज के पहला पाठ में इल्दाद और मेदाद दोनों ईश्वर के सामने उपस्थित नहीं थे, लेकिन ईश्वर की आत्मा उन पर उतरा और वे प्रभु के वाहक बनते हैं, भविष्यवाणियां करते हैं, प्रभु का वचन सुनाते हैं। आप जहां कहीं भी रहते हैं, कहीं पर भी आप जाएंगे, ईश्वर की आत्मा आपके साथ रहेगा, ईश्वर की कृपा आप पर बना रहेगा। इसलिए हमें दूसरे लोगों को देख करके हमें जलने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी व्यक्ति भला काम करता है, वो ईश्वर की ओर से उन्हें प्रेरणा मिलता है, इसलिए वो भला काम करता है। वही चीज जो आज के सुसमाचार में भी हम लोग सुनते हैं, जब प्रभु मसीह के शिष्य को लगा जो यीशु मसीह के साथ नहीं है, वे भी बुरे शक्तियों को बहाते हैं, लोगों को चंगा करते हैं, सुसमाचार सुनाते हैं, प्रभु यीशु के पास आकर के शिकायत करते हैं। प्रभु यीशु उन्हें बताते हैं जो हमारे साथ नहीं है हमारे खिलाफ भी नहीं है, जो भी भला काम करता है वो ईश्वर की संतान है। आज हम सबों के लिए चार मुख्य बिंदुओं पर मनन चिंतन करने के लिए हम आज के पाठ हम सबों को निमंत्रण देते हैं। पहला, विश्वास। दूसरा, समुदाय के बीच में संघर्ष। और तीसरा, नम्रता। और चौथा, सेवा। ये विश्वास, समुदाय, नम्रता और सेवा, ये चार प्रमुख बिंदुओं पर आज के पाठ हम सबों को ध्यान देता है। यदि विश्वास है, यीशु की आत्मा आपके साथ रहेगा, आप प्रभु के संदेश वाहक बन सकते हैं। हो सकता है समुदाय के बीच में संघर्ष होता है, क्योंकि दोनों समुदाय के बीच में ये संघर्ष इसलिए होता है कौन बड़ा है, कौन महान है। यदि आप प्रभु मसीह के शिष्य है, हमें समुदाय के बीच में संघर्ष होने की आवश्यकता नहीं है। तीसरा, नम्रता। नम्रता से औरों को स्वीकार करना, उनके अच्छे गुणों को स्वीकार करना, यह नम्रता का प्रतीक है। और अंत में सेवा। सेवा जैसे भी है हम, वैसे हमें प्रभु को सेवा करने की आवश्यकता है। तो आज के पाठ में प्रभु मसीह ये भी कहते हैं, एक तरफ से चेतावनी देते हैं,
यदि कोई व्यक्ति किसी के लिए पाप का कारण बनेगा तो उन्हें सतर्क होने की आवश्यकता है। आज हम प्रभु से विशेष प्रार्थना करें। सबसे पहले हम सभी जो कोई भला करते हैं उनको आलोचना नहीं करने से प्रभु से आशीष एवं कृपा मांगे। और आज माता कलिसिया स्वर्गदूत लोगों का भी पर्व मनाती है, संत माइकल, संत गब्रियल, संत राफेल। ये स्वर्गदूत कौन होते हैं? स्वर्गदूत ईश्वर के सामने रह करके ईश्वर की स्तुति एवं प्रशंसा करने वाले हैं। वे ईश्वर की ओर से संदेश को ले आते हैं, बुरी शक्तियों से लड़ने के लिए हम सबों के लिए मदद करते हैं। माइकल, गैब्रियल, राफेल, ये तीनों ईश्वर के सामने प्रस्तुत होने वाला महादूत लोग हैं। इनके बारे में हम लोग बाइबल में कई किताबों में पढ़ते हैं। डैनियल किताब में हम लोग ये स्वर्गदूत के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम स्वर्गदूतों से बात करते समय हम लोग ये वरदान मांग सकते हैं, बुरी शक्तियों से लड़ने के लिए स्वर्गदूत हमारी सहायता करें। और अंत में आज के दिन में ईश्वर का धन्यवाद देते हुए, जितने भी लोग जो हमारे दल में नहीं हैं लेकिन ईश्वर को जानते हैं, पहचानते हैं, ईश्वर के बारे में बताते हैं, उन सबों को भी प्रोत्साहन देने के लिए प्रभु से आशीष कृपा मांगें। आमीन।